नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत, इस पुस्तक का नाम है सुभाषिका द्वितीय भाग, उसका षष्ठा पाठक मतलब छठा पाठ धर्म वीर सिवी। आइए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद हम लोग आज पढ़ते हैं। पूरा भारत वर्षे सिवी नाम नृप आसित। पूरा मतलब होता है पहले, तो हम लोग यहाँ पर पहले भारतवर्ष में सिवी नाम के राजा थे। पहले भारतवर्ष में सिवी नाम के राजा थे। तस्य शासनम, तस्य मतलब होता है उनका या उसका, तो उनका तस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसित। उनका शासन आसेतु हिमाचलम मतलब समुद्र, और समुद्र से लेकर हिमालय तक था। उनका शासन समुद्र से लेकर हिमालय तक था। सह परम धार्मिक न्यायप्रियश्च आसीत। वह बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय थे। एकदा देवलोके सिवेह धर्म परीक्षार्थम चर्चा अभवत। एक दिन देवलोक में सिवी के धर्म की परीक्षा की चर्चा हुई। महितलम गत्वा तस्य साधुता त्याग च परीक्षणीय अस्ति। महितलम मतलब पृथ्वी पर जाकर तस्य साधुता, उनकी साधुता सज्जनता और त्याग की परीक्षा परीक्षणीय है। पृथ्वी पर जाकर उनके साधुता और त्याग की परीक्षा ली जाए। परीक्षणाय अग्निदेव कपोत रूप इंद्रस्य सेन रूप अभवताम। परीक्षा के लिए अग्निदेव कपोत रूप कबूतर का रूप, और इंद्र सेन रूप बाज का रूप, सेन मतलब बाज, तो बाज का रूप लिए या धारण किए। तो क्या क्या किए, परीक्षणाय मतलब परीक्षा के लिए अग्निदेव ने कपोत का रूप और इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। अथ कपोत राज सिंहासन स्थस्य सिवेह चरणियों अपतत। तब कबूतर राज सिंहासन पर स्थित सिवी के चरणों में जाकर गिरा। कपोत अवदत त्राहिमाम त्राहिमाम राजन। कबूतर ने कहा, कबूतर बोला, मेरी रक्षा करो राजन, हे राजन मेरी रक्षा करो। कबूतर ने कहा, अयम सेना माम भक्षयितुम इच्छति, बाज मुझे खाने की इच्छा रखता है। माम रक्षतु अहम शरणागत अस्मि, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। नृप तम कपोत सस्नेहम गृहीत्वा भय रहितम कृतवान। राजा ने उस कबूतर को प्यार से सस्नेहम गृहीत्वा प्यार से अपने पास रखकर भय रहितम कृतवान अपने पास रखकर उसे भय रहित किया। ठीक है, राजा ने कबूतर को बहुत प्यार से उठाकर प्यार से अपने पास रखकर उसको भय रहित किया। तदैव सेना अपि नृपम उपगम्य प्रोवाच राजन। तभी बाज भी वहां राजा के समीप पहुंचा। तदैव सेना अपि नृपम उपगम्य प्रोवाच राजा के समीप आकर बोला, राजन अयम कपोत मम भक्षय, यह कबूतर मेरा भोजन है। एन परित्यज, इसे छोड़ दीजिए। सिवी अवदत, सिवी बोले, भोषेन हे बाज तुम एनम मा मारे, तुम इसको मत मारो। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। सेना उवाच, तो बाज बोला एवं नास्ति, ऐसा नहीं है। अयम कपोत मम भोजनम, यह कबूतर मेरा भोजन है। तुम तो धर्मवीर असि, तुम तो धर्मवीर हो। अहम बुभुक्षिता अस्मि, मैं भूखा हूँ। माम भोजनम कथम न ददासी, मेरा भोजन क्यों नहीं देते हो। कथम धर्म विरुद्धम आचरसी, क्यों धर्म के विरुद्ध आचरण करते हो। सिवी सेनम प्रति अवदत, सिवी
बाज के प्रति बाज की ओर बोले, राज्ञा राज्ञाम परमो धर्मा, माने सीबी जो है वो किसे बोलते हैं, बाज से बोलते हैं, राज्ञाम परमो धर्मा तू शरणागत रक्षणम एव भवति, राजा का परम धर्म तो शरणागतों की रक्षा करना ही है, अतः तुभ्यम एनम कपोतम न दास्यामि, अतः तुभ्यम एनम कपोतम न दास्यामि, तुमको यह कबूतर नहीं दूंगा। त्वम एतत् कृते यथेच्छम वस्तु याच, तुम इसके बदले में तुम जो यथेच्छम वस्तु याच, कोई भी वस्तु जो तुम्हारी इच्छा हो वो वस्तु मांग लो। त्वम एतत् कृते, तुम इस कार्य के लिए, तुम इसके लिए, इसके बदले में तुमको जो इच्छा हो वह वस्तु मांग लो। सेना प्रोवाच, तो बाज बोला, न राजन अद्य तू अयमेव मत कृते ईश्वरोपहार, परंतु यदि त्वम इच्छसि तर्हि स्वदेहात् कपोतस्य संभारम मांसम मह्यम देहि। बाज बोला कि न राजन अद्य तू अयमेव मत कृते ईश्वरोपहार, नहीं राजन, आज के लिए यह मेरा ईश्वर का उपहार है, परंतु लेकिन यदि तुम इच्छा करते हो, यदि तुम इच्छसि तरही, यदि तुम इच्छा करते हो तो स्वदेहात् कपोतस्य संभारम मांसम मह्यम देहि, तो अपने देह से कपोत के भार के बराबर मांस मांसम मह्यम देहि मुझे दो। क्या मांगा वो, कि पहले कहा कि हे राजन यह तो आज ईश्वर का मेरे लिए यही उपहार है, परंतु यदि तुम चाहते हो तो तुम अपने देह से कबूतर के भार के बराबर मांस मुझे दो। सीवी अचिंत्य इदम तु उचितम अस्ति, यह तो सीवी सोचे यह तो उचित ही है, यह तो ही क्योंकि धनो यह तो उचित है, धनानी जीवितम चैव, धन और जीव दोनों का एक न एक दिन, धनानी जीवितम चैव परार्थे प्राग्य उत्सृजेत सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नीति सति। इस दोनों श्लोक का, इस श्लोक का मतलब हो गया कि धन और जीव दोनों का एक न एक दिन नाश होना तय है, तो समझदार लोग यदि इन दोनों चीजों का दूसरे के भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए यदि त्याग कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो धनानी जीवितम चैव परार्थे प्राग्य उत्सृजेत सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नीति सति, कि धन और जीव का एक न एक दिन नाश होना तय है, इसलिए समझदार लोग इन दोनों का दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए इनका त्याग कर देते हैं। नृप सहर्षम शस्त्रम आदाय स्वदेहात किंचित मांसम तुलायाम अस्थापयत, राजा ने खुशी पूर्वक शस्त्र लाया और अपने देह से कुछ मांस तुला पर रखा, काट कर। नृप सहर्षम शस्त्रम आदाय स्वदेहात किंचित मांसम तुलायाम अस्थापयत, राजा खुशी पूर्वक सहर्ष हर्ष के साथ शस्त्र लाया और अपने देह का कुछ मांस तुला पर रखा, परंतु कपोतस्य भार अधिक आसीत, परंतु कबूतर का भार अधिक था। पुनरपि अधिकम मांसम तुलायाम अस्थापयत, वह फिर अधिक मांस को तुला पर रखे, सह पुनरपि मतलब दोबारा अधिक मांस को तुला पर रखे, तथापि कपोतस्य भार अधिक एव अभवत, तब भी कबूतर का भार अधिक ही था। एवं वारम वारम स्वमांस प्रदानेन, बार बार अपना मांस को प्रदान करने के बाद, अपना मांस चढ़ाने के बाद भी कपोतस्य भारेण समान न अभवत, कबूतर के भार के बराबर नहीं हुआ। बार बार अपना मांस चढ़ाने के बाद भी कबूतर के भार के बराबर नहीं हुआ। अंततः सिवि स्वयमेव स शरीरम तुलायाम उपाविशत, अंत में सिवि अपने ही शरीर को तुला पर अपने शरीर के साथ तुला पर बैठ गए, अर्थात स्वयमेव स्यनस्य भोजन रूपेण समर्पितवान, अर्थात स्वयं को ही
बाज के भोजन के लिए समर्पित कर दिए, स्वयं को ही भोजन के रूप में बाज स्वयं को ही भोजन के रूप में बाज के सामने समर्पित कर दिए। तथा कपोतस्य भारः न्यूनो जातः, तब कबूतर का भार कम होने लगा तदा आकाशे देव दुंदु भी ध्वनि गुंजितः, तब आकाश से देवताओं के दुंदुभी की ध्वनि गुंजित हुई। गगनात च पुष्प वृष्टि अभवत्, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सेन रूपधारी इंद्र कपोत रूपधारी अग्निश्च निज रूपम प्रकटित मंतव। सेन रूपधारी मतलब बाज के रूप धारण करने वाले इंद्र, कपोत का रूप धारण करने वाले अग्नि, बाज का रूप धारण करने वाले इंद्र और कबूतर का रूप धारण करने वाले अग्नि निज रूपम प्रकटितवान, अपने रूप में प्रकट हुए। इंद्र अवदत, इंद्र बोले धन्यो असि त्वम शिवे, धन्य हो शिव शिवी तुम, वस्तुतः त्वम दानवीर धर्मवीर सत्यवर्ती चासी, वास्तव में तुम दानवीर धर्मवीर और सत्यवर्ती हो। त्वम शरीरम पूर्वापेक्षया सुंदरतम भवेत, तुम्हारा शरीर पहले की अपेक्षा और सुंदर हो। इति मम आशीर्वाद, यह मेरा आशीर्वाद है। तौ कीर्ति अनंत कालम यावत अस्थास्यति, और तुम्हारा कीर्ति अनंत काल तक स्थापित होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस पाठ का अर्थ देख लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।